हेलो स्मार्ट पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल बी आइडियल। मेरा नाम है अमान और आज हम कतर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू। आज हम जानेंगे कि कतर दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बना, दैट मीन्स हाउ कतर बिकेम द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन। मिडिल ईस्ट के बीच में रेगिस्तान में बसा 11,580 स्क्वायर किलोमीटर्स का छोटा सा देश है जिसे हम कतर कहते हैं। आज ये दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक सेंचुरी पहले ये देश मिडिल ईस्ट के गरीब देशों में आया करता था। सन 1871 तक कतर में कोई रहना पसंद नहीं करता था, क्योंकि गर्मियों में कतर का टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता था। यहाँ के गिने चिने लोग फिशिंग इंडस्ट्री से अपना पेट पालते थे। सन 1960 यानी 1916 में कतर ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों के अंडर था। उस समय कतर के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। सन 1938 ये वो समय था जब कतर की किस्मत बदलना शुरू हुई। 1938 में ऑयल की पहली खदान डिस्कवर्ड हुई। अब कतर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आए, लेकिन सिर्फ मिनिमल एक्सटेंट तक, क्योंकि सिर्फ एक ऑयल की खदान पूरे देश की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन सन 1970 में कुछ बड़ा हुआ। ऑयल मेजर वाज डिस्कवर्ड, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेचुरल गैस की खदान। लेकिन उस समय मुश्किल ये थी कि नेचुरल गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, क्योंकि तेल और नेचुरल गैस की डिमांड जिन देशों में थी वो देश कतर से कई दूर थे। इसलिए ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ अपनी किसी भी छोटी सी कॉलोनी की पाइपलाइन बिछाने में इतना खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सन 1971 में कतर को इंडिपेंडेंस मिली। अब कतर एक इंडिपेंडेंस देश बन चुका था। अब कतर के जो न्यू आमिर बने थे वो समझ चुके थे कि अगर कतर का फ्यूचर बदलना जा सकता है तो वो सिर्फ नेचुरल गैस की ट्रेडिंग से। इसलिए वहाँ के अमीर ने हाई इन्वेस्टमेंट करी एक ऐसे अंडर डेवलप साइंस में जिससे नेचुरल गैसेस को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई, उन्हें एक ऐसी टेक्निक मिली जिससे वो नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे कंटेनर्स के थ्रू दूसरे देशों में ट्रेड कर सकें। इस प्रोसेस को नेम दिया गया लिक्विफैक्शन। वो जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका उन्हें ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा था। अब देखते ही देखते कतर दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज़ में अपनी नेचुरल गैस सप्लाई करने लग गया। इस प्रकार कतर एक फिशिंग इंडस्ट्री से चलने वाले गरीब देश से सुपर रिच देश बना। लेकिन ये कतर के लिए काफ़ी नहीं था कि जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन सके, क्योंकि नेचुरल गैस और ऑयल की ट्रेडिंग करके कई देश प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर देश बनने के लिए इम्पोर्टेंट ये था कि वो अपने प्रॉफिट को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। बाकी देशों ने कतर की तरह अपने प्रॉफिट का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया। कतर ने अपनी अर्निंग वहाँ की कैपिटल सिटी दोहा को मॉडर्न करने में लगाई। उसने अपनी कंट्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस करके रख दिया। कतर की एडवांसमेंट देखकर दुनिया के कई अमीर लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जिससे कतर की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। कतर ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाई, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। कतर अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया के कई डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में की, जैसे स्पोर्ट्स, ट्रेवल, लाइक आपने कतर एयरवेज तो सुना ही होगा, रियल इस्टेट्स एंड टेक्नोलॉजी। कतर एक लार्जेस्ट स्टेक होल्डर भी है, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ऑन करता है, जैसे वॉल्सवैगन, शेल एंड रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट एक्सेट्रा। कतर के पास दुनिया की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में लाइक लंदन में जितनी प्रॉपर्टी क्वीन ऑफ इंग्लैंड की है उससे कई ज़्यादा कतर ऑन करता है। इसी तरह कतर की इन्वेस्टमेंट दुनिया की हर एक बड़े सेक्टर्स में है। यदि मैं इसकी सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। कतर की स्पेशल बात यह है कि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना एडवांस कर दिया है ना कि दुनिया के कई अमीर लोग उस कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी को प्लस बूस्ट मिलता है। कतर एक इतना डाइवर्सिफाइड देश है कि उसमें कई बड़े देशों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या आपको पता है 2017 के सर्वे के अनुसार कतर की 25% पॉपुलेशन इंडियंस है ना इंटरेस्टिंग। हालांकि कतर एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ 15.1% हिंदूज रहते हैं,
13.8% क्रिश्चियन रहते हैं, 3.1% बुद्धिस्ट रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कतर की डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसे रिच बनाने में। तो गाइस, इस तरह से कतर आज दुनिया का सबसे अमीर देश है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए। बाय बाय, टेक केयर।